नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मल्टी ब्लॉग। पिछले वीडियो में हमने दो टॉपिक के बारे में बात किया था। पहला टॉपिक था रनवे और दूसरा टॉपिक था एरोड्रोम। आज भी हम दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक रहेगा हमारा एप्रन और दूसरा है टैक्सी वे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूंगा आप सभी को कि जो भी डेफिनेशन मैं बताने वाला हूँ आप लोग को, वो सारे के सारे स्टैंडर्ड डेफिनेशन है एज पर एनेक्स 14। ओके, चलिए एप्रन देखते हैं क्या होता है। इट डिफाइंड एरिया ऑन लैंड एरोड्रोम, ध्यान दीजिएगा सिर्फ लैंड एरोड्रोम के लिए डिफाइन किया गया है, इंटेंडेड टू एकोमोडेट एयरक्राफ्ट फॉर द पर्पज ऑफ लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ पैसेंजर्स, मेल, कार्गो, फ्यूलिंग, पार्किंग और मेंटेनेंस। कोई भी एयरक्राफ्ट लैंड करने के बाद टैक्सी करता है, टैक्सी करने के बाद वो पार्किंग स्टैंड पे आता है। ये हमारा पार्किंग स्टैंड ये है, ये सारे सारे पार्किंग स्टैंड है। यहाँ पे जब एयरक्राफ्ट पार्क होता है, उसके बाद आइदर उसमें पैसेंजर चढ़ते हैं या उससे उतरते हैं, या फिर कार्गो उस पर हम लोग चढ़ाते हैं, या उसकी फ्यूलिंग होती है, या फिर नाइट होल्ड करता है, या उसका मेंटेनेंस से रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो उस कंप्लीट एरिया को ये जहाँ पे ये सब एक्टिविटी होती है उसे हम लोग एप्रन कहते हैं। फोटो में देखेंगे ये कंप्लीट एरिया, ये सारा का सारा पूरा एप्रन कहलाएगा। ये बिल्डिंग नहीं काउंट करेंगे, बिल्डिंग हमारा एप्रन में काउंट नहीं होता है। ये कंप्लीट एरिया जो है टोटल का टोटल ये एप्रन कहलाता है। इन एरिया में सिर्फ पैसेंजर या फिर मेल का या फिर कार्गो का लोडिंग अनलोडिंग या फ्यूलिंग होता है या पार्किंग या फिर मेंटेनेंस एक्टिविटी की जाती है। और जो पैसेज जो एयरक्राफ्ट को कनेक्ट करता है इस बिल्डिंग के साथ, उसे हम लोग एरो ब्रिज कहते हैं। ये देखिए, ये जो दिखा है एल शेप में, ये सारे के सारे एरो ब्रिज है। इसके थ्रू पैसेंजर्स होते हैं बिल्डिंग से एयरक्राफ्ट के अंदर एंटर करते हैं। इन शॉर्ट इसे पीबीबी भी कहते हैं, दैट इज पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज या फिर एरो ब्रिज। ठीक, चलिए दूसरा टॉपिक हमारा टैक्सीवे का। टैक्सीवे देखते हैं कि क्या डेफिनेशन कहता है एज पर एनेक्स 14। इट डिफाइंड पाथ ऑन लैंड एरोड्रोम एस्टैब्लिश्ड फॉर टैक्सिंग ऑफ एयरक्राफ्ट एंड इंटेंडेड टू प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन वन पार्ट ऑफ एरोड्रोम एंड अनदर। देखिए, अगर कोई हमारा एक बड़ा सा एरोड्रोम है, आपको डेफिनेशन पिछले वीडियो में बता दिया गया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाकर आप देख लीजिए कि एरोड्रोम का डेफिनेशन क्या होता है, क्या होता है एरोड्रोम। तो एरोड्रोम अब बताता हूँ, चलिए कि एरोड्रोम क्या होता है। कोई भी एक लैंड होता है या वाटर बॉडी होते हैं, वहाँ पे इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग्स, मशीनरी रहते हैं, वो एयरक्राफ्ट के लैंडिंग या टेक ऑफ में जो हेल्प करते हैं, उन कंप्लीट एरिया को हम लोग एरोड्रोम कहते हैं। ठीक है, चलिए टैक्सीवे के देख ले क्या क्या है। टैक्सीवे क्या कहता है। कोई एक पार्ट ये है हमारा एरोड्रोम का, दूसरा पार्ट ये है, ये जो कनेक्टिंग लिंक है यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए फॉर एयरक्राफ्ट ओनली, इस लिंक को हम लोग टैक्सीवे कहते हैं। ठीक है, सपोज करिए एक हमारा एप्रन ये है, एप्रन A1, दूसरा एप्रन A2 है, यहाँ से यहाँ जो कनेक्टिंग लिंक है इसे एप्रन टैक्सीवे कहते हैं। एयरक्राफ्ट यहाँ से टैक्सी करते हुए दूसरे एप्रन तक जाएगा, इसीलिए इसे एप्रन टैक्सीवे कहते हैं। फर्स्ट वाला देखेंगे एयरक्राफ्ट स्टैंड टैक्सी लेन। तो क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये स्टैंड नंबर 1 है, स्टैंड नंबर 2 है, स्टैंड नंबर 3, अब ये टैक्सी करने के बाद यहाँ से सीधा यहाँ पे आता है। तो यहाँ से ये एग्जिट करने के बाद फिर ये जो लाइन फॉलो करता है, जो पाथ फॉलो करता है, इसे एयरक्राफ्ट स्टैंड टैक्सी लेन कहते हैं। ठीक है, पहला नंबर। तीसरा क्या है, रैपिड एग्जिट टैक्सीवे। जनरली ये इस टाइप के टैक्सी बड़े एयरपोर्ट्स पे देखे जाते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ फ्लाइट्स या नंबर ऑफ मूवमेंट्स हमारे ज्यादा होते हैं, जस्ट लाइक दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, इन सब एयरपोर्ट्स पे या फिर बैंगलोर देखिए, हमारे नंबर ऑफ फ्लाइट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो उस केसेस में क्या होता है कि रनवे को जल्दी से जल्दी वैकेट करना होता है, ताकि अदर एयरक्राफ्ट जो अप्रोच पे हैं वो लैंड कर सके इजिली। ठीक है, लैंड करने के बाद उन्हें जल्दी से जल्दी रनवे को वैकेट करना होता है, और जो
रास्ता वो यूज करते हैं, जो टैक्सी यूज करते हैं टैक्सी वे, उसे रैपिड एग्जिट टैक्सी वे कहते हैं। जनरली ये 45 डिग्री या उससे कम के एंगल से होते हैं ये टैक्सी वे फ्रॉम द रनवे सेंटर लाइन। बात करेंगे अभी भी सेंटर लाइन के बारे में, रनवे सेंटर लाइन या टैक्सी वे सेंटर लाइन क्या होता है। धीरे धीरे सभी के बारे में जानकारी हम लोग देखेंगे, क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, उनकी मार्किंग कैसे की जाती है। तो ये तीन टॉपिक आपको क्लियर हो गया, एयरक्राफ्ट स्टैंड टैक्सी लेन, एप्रन टैक्सी वे या फिर रैपिड एग्जिट टैक्सी वे। एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है टैक्सी वे स्ट्रिप, जब भी हम लोग टैक्सी वे देखेंगे तो उसके साथ एसोसिएटेड एक टर्म आएगा टैक्सी वे स्ट्रिप। देखिए क्या होता है एग्जैक्टली, ये सपोज करिए हमारा एक टैक्सी वे है, यस सपोज करिए ये रनवे है और ये टैक्सी आउट करके कोई एयरक्राफ्ट जा रहा है, ये रनवे हो गया और ये टैक्सी वे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि टैक्सी वे के पास में ऑन आइदर साइड ये कुछ एरिया ग्रेडेड पोर्शन होते हैं, ग्रेडेड पोर्शन कुछ होते हैं एरिया, इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि एयरक्राफ्ट कभी भी अगर अपने पाथ से या टैक्सी वे से डेविएट करता है तो ये जो स्ट्रिप में आकर रुक जाए ताकि एयरक्राफ्ट को मिनिमम डैमेज हो। देखिए यहाँ क्या लिखा है, टू रिड्यूस द डैमेज टू एन एक्सीडेंट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंटली रनिंग ऑफ द टैक्सी वे। गलती से अगर एयरक्राफ्ट टैक्सी वे से अगर अलग चला जाता है, टैक्सी वे से बाहर निकल जाता है तो एयरक्राफ्ट को डैमेज कम हो, इसलिए हम लोग ये स्ट्रिप प्रोवाइड करते हैं। चलिए देखते हैं कि टैक्सी वे दिखता है कैसे इमेज के थ्रू। ये देखिए ये जो है हमारा एक टैक्सी वे, ये है बी ब्रावो वन, दूसरा टैक्सी वे ये है जुलू, इनका नाम है यहाँ नहीं दिया गया है तो यहाँ नहीं बता सकते, ठीक है। और इनमें देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे येलो कलर की मार्किंग की हुई है और उसके साइड में यहाँ पे ब्लैक कलर की मार्किंग की हुई है। दोनों डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, ये कॉन्सपिक्यूटी को इम्प्रूव करने के लिए ऐसा किया गया है ताकि जो टैक्सी वे का लाइन है वो ईजिली विजिबल हो, उसकी विजिबिलिटी इनहेंस करने के लिए ऐसा किया गया है, और कोई बात नहीं इस चीज में। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जैसे ब्रावो 2 है, होटल है, जुलू है, यहाँ पे होटल को ब्लैक से लिखा गया, ब्रावो 2 को भी ब्लैक से लिखा गया, लेकिन यहाँ पे जुलू है इसे ब्लू से लिखा गया है और बैकग्राउंड इसका ब्लैक है। इसका मतलब ये है कि ये जो टैक्सी वे है जिसको मार्क किया गया है ये जुलू है सेट, और आप इस पे चल रहे हैं जिसको फॉलो कर रहे हैं वो जुलू है, और बाकी जो है डायरेक्शन बता रहा है कि होटल ये वाला पोर्शन है इधर जा रहा है, ब्रावो 2 इधर की ओर मुड़ जाएगा, ब्रावो 2 इधर से आने के बाद मुड़ जाएगा, ब्रावो ये है आपका इधर चला गया, ठीक। जैसे यहाँ पे भी देखेंगे ब्रावो 1 जिस पे आप चल रहे हैं उसे ब्लू, सॉरी जिससे जिस पे आप हैं उसे येलो से लिखा जाता है और बैकग्राउंड में ब्लैक रखा गया है, और इन्फॉर्मेशन के लिए जो दिया गया है जैसे ये होटल है, ये इन्फॉर्मेशन के लिए दिया गया है कि हाँ आगे से लेफ्ट या राइट जाके हमारा जो अगला टैक्सी वे है वो क्या होगा, तो दैट इज फॉर इन्फॉर्मेशन। ये जो है येलो बैकग्राउंड में जो लिखा गया है वो हमारे इन्फॉर्मेशन के लिए है, और जो ब्लैक बैकग्राउंड में दिया गया है उसका मतलब ये है कि दैट इज ऑन द आप किस पोजिशन पे, किस लोकेशन पे हो उसके लिए लिखा गया है वो बताता है। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।